हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं स्नेह। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे हर न्यू वीडियो की अपडेट मिले। आज मैं आपको गाजर का हलवा बनाना बताऊंगी बिना घिसे, और ये बहुत जल्दी भी बन जाता है और टेस्टी भी होता है। सर्दियों के दिन चालू हैं, ये बच्चे हों या बड़े सबको पसंद आता है। क्रिसमस और न्यू ईयर आ रहा है, आप उस दिन भी बना सकते हैं, ये कभी भी आप बना सकते हैं। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने 1 किलो गाजर लिया है और इसे मैंने छील लिया है अच्छे से। हमें कद्दूकस नहीं करना है, मैं आपको बताती हूँ। 4 बड़े चम्मच देसी घी, 3/4 कटोरी चीनी, वेट में ये 150 ग्राम है, 1 कटोरी मिल्क पाउडर, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, ये फ्लेवर के लिए है, 10-15 बादाम बारीक काटे हुए, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। सबसे पहले हमें इसे छील लेना है और इसे बारीक बारीक टुकड़ों में हमें काटना है। इसे हमें कद्दूकस नहीं करना है, इसे हमें ग्राइंडर जार में इसे पीसना है। इस तरह से आप इसे काट लीजिए। आप चाहें तो इससे भी छोटे छोटे टुकड़े करके भी आप काट सकते हैं। ये लीजिए, मैंने इसे मिक्सी जार में डाल दिया है और अब इसे मैं पीसूंगी। इसे आप रोक रोक के पीसिएगा, एक साथ नहीं पीसना है। ये देखिए, मैंने इसे पीस लिया है। इस तरह से आप इसे पीस लीजिए। सबसे पहले आप गैस ऑन कर दीजिए। कढ़ाई में अब 4 बड़े चम्मच घी के डाल दीजिए। घी की रेसिपी मैंने आपको पहले शेयर की है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो घी और भी डाल सकते हैं। घी को गर्म होने दीजिए। घी गरम हो चुका है, अब इसमें हम गाजर डाल देंगे और धीमी आंच पर इसे हमें 5 से 6 मिनट तक भूनना है और इसे आप लगातार चलाते रहिए। आप देख सकते हैं, आपको कद्दूकस करने की मेहनत भी नहीं लगी और 2 मिनट में ये आपका घिस के भी हो गया। इसे मैं बिना मावा और दूध के बनाऊंगी। मिल्क पाउडर से ये इतना टेस्टी बनेगा, मावे के जैसा ही इसका टेस्ट आएगा। आप एक बार बनाएंगे तो हर बार बनाने का मन करेगा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना टेस्टी ये बनता है। और 10 मिनट के अंदर ही आपका हलवा बन जाएगा। इससे पहले भी मैंने आपको गाजर के हलवे की 2 रेसिपी शेयर की थी, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसका भी लिंक दूंगी आपको। आप देख सकते हैं इसका पानी काफ़ी हद तक सूख चुका है। इसे मैंने धीमी आँच पर 6 मिनट तक पकाया है। गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, अब इसमें हम चीनी डालेंगे और चीनी को आप अच्छे से मिक्स कीजिए। चीनी को अच्छे से घुल जाने दीजिए, तब तक इसे हम पकाएंगे। गाजर का हलवा मेरा भी फेवरेट है और मेरे घर में सबको, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब इस स्टेज में हम मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर से ये इतना टेस्टी बनेगा, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसमें मावा नहीं डाला या दूध नहीं डाला है, मावा का टेस्ट ही इसमें आएगा। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिए। मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। बारीक काटे हुए बादाम, आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, इसे भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये सिर्फ 10 मिनट में आपका हलवा बन जाता है, ये बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं आप। अब आप देखिए, घी भी छोड़ने लगा है और ये पैन से भी अलग होने लगा है, और 2 मिनट इसे हम पकाएंगे। मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ, जल्द से जल्द ये बने गाजर का हलवा और मैं खाऊं, मुझे ये इतना पसंद है। आप देख सकते हैं ये पैन से अलग हो चुका है और गाढ़ा भी हो चुका है। इस स्टेज पर आप फ्लेम को बंद कर दीजिए। ये लीजिए, आपका गाजर का हलवा बन चुका है, कितना जल्दी बना है। अब इसे आप बादाम के साथ डेकोरेट कीजिए। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने बादाम को भिगो दिया था और उसका छिलका मैंने निकाल दिया था, उसे बारीक बारीक काट लिया। ये देखिए कितना दिखने में अच्छा लग रहा है गाजर का हलवा, और खाने में तो लाजवाब है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये लीजिए, आपका गाजर का हलवा बन चुका है, कितना सुंदर दिख रहा है और खाने में तो इतना टेस्टी है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।